नमस्कार। देखिए, अभी हमने जो इससे पहले आप लोगों को के बीच में जो वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि किस तरीके से ये घरेलू मक्खियों को भी ख़त्म करने में काम में आता है, और जिस जगह थी जहाँ हमने इसका प्रयोग किया था, जहाँ घर के बर्तन साफ़ होते हैं और जब वो बर्तनों का जो खाने पीने का जो सकरन रहता है वो यहाँ पर जमा हो जाता है, तो उसको मक्खियाँ खाने के लिए आती हैं और ऐसी जगहों पर बैठती हैं। तो हमने इसका प्रयोग किया था। प्रयोग करने के बाद हमने आपको बोला था कि किस स्पीड से मक्खियों को मारता है। आप देखें कि इस तरीके से ये मक्खियाँ यहाँ पर सुमेप्राइड के द्वारा मरी हुई दिखाई दे रही हैं। ये एक के बाद एक जैसे जैसे आ रही थी और यहाँ पर बैठती हैं, और बैठने के बाद तड़प कर ये ख़त्म हो जा रही हैं। तो सुमेप्राइड ने इस तरीके से इनको ख़त्म किया है। विद इन 10 मिनट के अंदर ये मक्खियाँ जो हैं, जो जो जहाँ पर हमारा सॉल्यूशन डला था वहाँ पर आई, बैठी, और बैठने के बाद फड़फड़ाई, और फड़फड़ाने के बाद वहीं की वहीं ये ख़त्म हो गई। ये सजीव चित्र आपके सामने आप देख रहे हैं मरी हुई मक्खियों का। सर, आपने देखा, आपके सामने इस चीज़ का प्रयोग किया था, ये हमारे सामने ही हुआ है, आपको बेहतर किया, बेहतर रिजल्ट प्राप्त, बेहतर रिजल्ट है इसका, और शानदार मक्खी ख़त्म हो गई। तो मक्खियों की समस्या बहुत है। हाँ, बहुत समस्या थी, ये सर्दी से ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा आती है, गर्मी में और इस तरीके से जाती भी नहीं है, बहुत परेशान करती है। सबसे बड़ी बात है कि आप जब पशु का दूध दोहने के लिए भी जाते हैं, हाँ, तो उस दौरान भी खूब उड़ती हैं। तो आपके पास ये सुमेप्राइड बहुत असरदार दवा आप लोगों के बीच में आ चुकी है। तो हमने जिस तरीके का एक प्रयोग अपने घिचौड़ी के लिए करा था, सेम उसी तरीके का मक्खी के लिए किया है। तो आगे आप इसका प्रयोग करना चाहेंगे समस्या को खत्म करने के लिए? बिल्कुल करेंगे, और भी किसान भाई को बताएंगे कि सुमेप्राइड उन्हें प्रयोग करना चाहिए, और भी किसान भाइयों को बताएंगे कि इसका स्प्रे करना चाहिए सुमेप्राइड का। देखिए, सुमेप्राइड का रिजल्ट आपके सामने है, आपने देखा किस तरीके से मक्खी को मार रहा है। तो अगले वीडियो में फिर आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।